हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। मैं शीश चौहान 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो 6 लेके आया हूँ और विस्टाज बुक से ये सीरीज है द सुपर 11 क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें हम लेके चल रहे हैं और ये आखिरी अंतिम 11th क्वेश्चन है जो कि हमने इवांस ट्राइज ओ लेवल से लिया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 11 आउट ऑफ 11, व्हाट प्रिकॉशंस वर टेकन बाय द प्रिजन अथॉरिटीज। प्रिजन जिस ऑक्सफोर्ड प्रिजन में जिसमें इवांस पेपर दे रहा था उसकी कैद थी वहाँ पे, उसमें ही वो इम्प्रिजेंड था, जेल में था, हिरासत में था। तो अथॉरिटीज ने क्या क्या प्रिकॉशन लिए कि वो भाग ना जाए, क्या क्या चौकसी बरती। और टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इवांस एफर्ट्स टू एस्केप फ्रॉम दी ऑक्सफोर्ड प्रिजन से भागने के अंदेशा देखते हुए क्या क्या उन्होंने जो अथॉरिटीज थी प्रिकॉशन लिए, चौकसी क्या क्या बरती, सावधानियाँ क्या क्या बरती। जेम्स इवांस वॉज ए बोर्न kleptomaniac, और आप जानते हैं कि जेम्स इवांस जन्म से ही kleptomaniac था, जिसकी वजह से इसको जेल में आना पड़ता था। kleptomaniac कौन होता है, जिसे चोरी करने की आदत हो जाती है, उसको ज़रूरत भी नहीं होती वस्तुओं की, फिर भी वो चोरी कर लेता है जाने अनजाने में। द प्रिजन ऑफिसर्स यूज्ड टू कॉल हिम इवांस द ब्रेक। प्रिजन ऑफिसर्स उसको इवांस द ब्रेक कहते थे क्योंकि वो जेल तोड़ के भागता था, तीन बार भाग चुका था। Because he had escaped the prison three times already, the governor didn't want that Evans would disgrace the Oxford prison that time. तीन बार पहले ही भाग चुका है, गवर्नर नहीं चाहता है कि उसका नाम बदनाम हो, उसकी जेल का नाम बदनाम हो, ऑक्सफोर्ड प्रिजन का। अब की बार उसने पूरी खुद इंटरेस्ट लेके हर बात का मुआयना खुद कर रहा था, वो पूरी चौकसी उसने बरती। So he would see the arrangements for even security personally means व्यक्तिगत रूप से वो सारी सिक्योरिटी चेकअप खुद कर रहा था। He was search for the possibility of having some sharp edged weapon. He Konya Evans की तलाशी ली गई थी कि उसके जो भी कोठड़ी है, सेल है, उसमें कोई ऐसा sharp edged weapon ना हो जिसका सहारा लेके वो किसी को बंदी बना ले और भाग जाए वहाँ से। मिस्टर जैक्सन हैड आल्सो टेकन द नेल सीजर्स एंड द नेल फाइल आउट ऑफ इट। और मिस्टर जैक्सन ने जब तलाशी ली, ये पुलिस ऑफिसर है, और एक नेल सीजर्स जो नेल काटने की सीजर्स होती है वो ले ली अपने अधिपत्य में, और एक नेल फाइल वो ली उसने। और द गवर्नर वॉज हैविंग सम डाउट्स अबाउट इवांस के बारे में कुछ डाउट्स, शंकाएं थी गवर्नर को। ही थिंक्स दैट इट माइट बी पॉसिबल दैट इवांस माइट टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लीरी, कि संभव हो सकता है कि मैक्लीरी जो इन्विजिलेटर बन के आएगा, एग्जाम देगा, एग्जाम इवांस का होगा, तो वो वहाँ पे जैसे आते हैं बोर्ड्स की तरफ से व्यक्ति आते हैं जिनकी ड्यूटी लगती है कि वो पेपर डिलीवर करेगा, आंसर शीट देगा उसे, और वो कॉपिंग ना करे, इस तरह से वो चौकसी करते हैं। इनविजिलेटर मैक्लीरी को आना था, तो ऐसा ना हो कि उसका एडवांटेज ले मैक्लीरी का वो, एंड गेट ए चीजल, ए रोप, लैडर एट्सेट्रा, और चीजल, रोप वगैरह, लैडर वगैरह ना हो उसके पास। मैक्लीरी सूटकेस वाज आल्सो सर्च्ड, मैक्लीरी का भी सूटकेस सर्च किया गया। His paper knife was kept in Jackson's possession, और जैक्सन के अधिपत्य में उसका पेपर नाइफ रख लिया गया। The governor was also keeping the telephone on the hold, और गवर्नर ने भी टेलीफोन को होल्ड पे रखा हुआ था ताकि वहाँ की बातें वो आराम से सुन सके। Listen to the conversation in the cell, जो भी बात सेल में होती है गवर्नर सुन रहा था उसे। Stephens also keeps on peeping into the cell. और स्टीफन्स को पहले तो अंदर था और फिर बाहर भेज दिया गया था, वो जो मेन गेट था उसका, अंदर का सेल का कोठड़ी का दरवाजा था उसमें पीप होल था, वहाँ से हर मिनट के बाद वो समय था निश्चित, उसके बाद वो देख रहा था। धीरे धीरे उसने वो पीरियड बढ़ा दिया था जो देखने का था। इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, इन सभी प्रयत्नों के बावजूद, इन सभी सावधानियों के और
कोशिशों के बावजूद ही वाज ब्लफ्ड द प्रिजन अथॉरिटीज, उसने उनका बेवकूफ बना दिया एंड एस्केप्ड फ्रॉम देयर फॉर द फोर्थ टाइम, चौथी बार भी वहाँ से वो भाग जाता है। और दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और 11 क्वेश्चन हो गए हैं, और मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर मिले। इसी उम्मीद के साथ आपको